हम मौजूद आज रोहतक लोकसभा में और लोकसभा की हम बातचीत करें तो काफी हॉट सीट है। पूरा हरियाणा नहीं, पूरा प्रदेश लोकसभा की सीट पर नजरें जमाए हुए हैं। आखिर किसको टिकट मिलेगी, कौन जीतेगा गवर्नर यहाँ से? कारोली गांव है, लगभग 3000 यहाँ पे वोट है। विजेंद्र, क्या लग रहा है आपकी बात? मैं, हम तो बीजेपी का देंगे आगे बात जाना। भाई यहाँ की जनता तो मोदी को वोट दे रही है, कैंडिडेट को दे ही नहीं रही। ऐसा था जो गांव में एक दो आदमी हुए उनका एक काम हुआ, दीपेंद्र के साथ छोड़ा नहीं, किराया मैं दूं, मेरे को लगवाने जाए और अपनी बात करे आए और वो लगे काम हो उसके, मेरा किराया भाड़ा लगा के हम घर बैठे रह गए। दीपेंद्र बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, समझेगा? यदि बीजेपी से खड़ा हो जाए ना तो उसको अपने घर से वोट लेने के लिए निकलने की जरूरत नहीं। भर्तियों में पारदर्शिता है क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में पहले भर्तियों में नौकरी नहीं मिलती थी बगैर पैसे के, अब हर गांव से हर भर्ती में 5-4 बच्चे बगैर पैसे के, जिनका कोई पंच भी जानकार नहीं है उनके भी बच्चे भर्तियां हो रहे हैं। पहले जब भी सीएम या सांसद रहे हमारे क्षेत्र से, बीजेपी के अलावा कांग्रेस के या इनोलो के रहे, तो हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं होता था। जब से बीजेपी आई है हमारे क्षेत्र में बराबर काम हो रहे हैं। कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर भी नहीं है जो संगठन रख सके कांग्रेस में, इसकी भी कमी है। तो इसलिए लोगों को रुझान मोदी पे विश्वास है, मोदी की गारंटी के ऊपर ही लोग वोटिंग कर रहे हैं। ट्रांसफर वगैरह में भी ट्रांसफर बड़ा घपला चलता था, नौकरियों के ट्रांसफर के बदले पैसे लेते थे लोग, भर्तियों के पैसे लेते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है। मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा। मोदी जुमलेबाज है, झूठ बोलता है, एक नंबर, सब कुछ बेच दिया इसने तो। काला बाजारी थी सब बंद कर दी, डाकुओं की दुकान बंद कर दी, नौकरी नहीं जाते थे लोग, एम्प्लाई थे जिनको नू नहीं पता, 20-20 साल हो गई थी, हमारा दफ्तर कहाँ है, घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे। मोदी काम कराता है, काम करता है। हमारे जो इलाके में कोसली में जो विकास की गंगा दीपेंद्र ने बहाई, वो किसी भी एमपी ने आज तक नहीं करा काम। नौकरियां यहाँ काम में थोक के भाव में मिली। अच्छा, हाँ, खूब मिली नौकरी दीपेंद्र ने, और सब काम उसने ऐसे करवाए कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। फौजियों को इतना वेलफेयर कर दिया तो कोई भी नहीं कर सकता। कांग्रेस तो धोखे मूल्यवाद से जो धोखे में रखती है इंसान को। भाई साहब वो चले गए, कह रहे हैं कि दीपेंद्र ने हमारे गांव में छाछ भर भर के नौकरी बांटी है। नौकरी नहीं पा दे, ये गया है ना, ये था उसका माइक पकड़ने वाला, और इसके वोट है इसके 3 ही, और इसने सारे गांव के स्टेशन कर दी। ये दल्ले थे दीपेंद्र के जो पैसे ले लेके बिचौलिए थे, पैसे ले लेके नौकरी की बात करते थे, वोटों के हजारों वोटों की उसकी यहाँ भरते थे, जो इनकी 2 पर्ची भी नहीं है। अच्छा मोदी क्यों अच्छा लगा? सब तरिया यार छजून ना मारते, 1 रुपया ना दियो, कम से कम 6,000 रुपया तो दे रहे। हरियाणा पुलिस में डी ग्रुप में एक कल रख ला करे लेक्चरर, बिजली विभाग में, नहर विभाग में, हर विभाग में लगे आज इस सरकार के अंदर। कंडक्टर लगे, उन्होंने 4-4 लाख रुपए दिए दीपेंद्र के टाइम, ये खा गए गुर गए। हाँ, 4-4 लाख रुपए कंडक्टर लगे थे। मोदी मोदी पहले बात ले, मोदी 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 है, हाँ बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो विदेशी हैं वो हमारे मंदिरों में माथा टेकते हैं, मोमडन कंट्री के फॉरनर जो आते हैं, नेहरू जी के टाइम में जब विदेशी आते थे तो हमारे मंदिरों को ढक दिया जाता था। इनकी बार दीपेंद्र फिर चुनाव लड़ा? ना ना, दीपेंद्र नाम में बतले हो आप, दीपेंद्र को नाम में बतले हो, दीपेंद्र ने तो खो दी। 70 साल राज रहे हो, के करो देश खातर, देश खातर के करो है, और 70 साल बाद में मोदी ने 10 साल में देश चमका दियो। तो मोदी खातर जान भी देश को, बिल्कुल अल्ले बात। दीपेंद्र न्यू कहे इब के हम जीतांगा लोकसभा, तो मारी मारी गाड़ी पार हो जाएगी। दीपेंद्र न्यू का दे, न्यू का मुट्ठी में भी वोट को न तेरी। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हम मौजूद आज
रोहतक लोकसभा में और लोकसभा की हम बातचीत करें तो काफी हॉट सीट है, पूरा हरियाणा नहीं पूरा प्रदेश लोकसभा की सीट पर नजरें जमाए हुए हैं। आखिर किसको टिकट मिलेगी, कौन जीतेगा अब बार यहाँ से, यानी कि सिर धड़की बाजी अब की बार फिर दोबारा से दीपेंद्र हुड्डा फिर दोबारा से लोकसभा की तैयारी में उतर चुके, उनको टिकट मिल चुकी है कांग्रेस की पार्टी से। और यहाँ बीजेपी की बातचीत करें तो उनका अभी कोई आता पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन पिछली बार हम बातचीत करें पूरी लीड के साथ पूरे तूफान के साथ कोसली तक अच्छी खासी लीड लेके पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन 75,000 वोटों से कोसली विधानसभा खाली ने ऐसी पटकनी दी थी कि फिर वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाए, वो लीड टूटी नहीं। और ये मेरे साथ कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोग, कारोली गांव है, लगभग 3,000 यहाँ पे वोट है। विजेंद्र भाई जमींदार करते हो, हाँ जी, क्या माहौल है, क्योंकि ये है किसान और किसान के खेत से होके वो कुर्सी जाती है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना ये किसान के खेत से होके निकलती है और किसान ही वोट देता है, उसके बाद किसान की कोई सुने या ना सुने आगे की बात है। लेकिन ये विजेंद्र मेरे साथ किसान है, कारोली गांव में 3,000 से ज़्यादा वोट है, सबकी प्रतिक्रिया लेंगे बाबा अभी, आज ही आपसे भी जानेंगे। विजेंद्र क्या लग रहा है आपकी बात, मैं हम तो बीजेपी का देंगे आगे बात जाना, ठीक है आप बीजेपी के क्यों दोगे, मतलब क्यों आपने काम ठीक करवा रही, ठीक है एक तो आपने टारगेट बना लिया बीजेपी के, हाँ कौन से काम अच्छे लगे आपको, सारे काम सही से, सुत्ता से कम मैम, दीपेंद्र की भी सही आवाज पतों को नहीं, लड्डू हाथों में नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ ना के कर रहे हो तो बताओ, दोनों बात ठीक है बाबा आप बताइए। अब यहाँ पे पिछली बार 75,000 से आ रहे थे दीपेंद्र, यहाँ पे सारी लीड लाड सब ध्वस्त हो गई थी जूही कोसली में आए, अब की बार दीपेंद्र फिर आ चुका है मैदान में, और यहाँ से बीजेपी अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, अरविंद सर भाई द्वारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते वो तो समय बताएगा अभी, लेकिन आए नहीं है कोई बीजेपी का कैंडिडेट, जरूर आएगा, तो क्या लग रहा है आपके माहौल क्या है भाई, यहाँ की जनता तो मोदी को वोट दे रही है, कैंडिडेट को दे ही नहीं रही, पिछली बार 75,000 की लीड दी थी, अब की बार उसकी कुछ लीड टूटी, बीजेपी की टूटी, बीजेपी कुछ टूटी, जगदीश कम आएगी, हाँ जगदीश कम आएगी, जगदीश ये यहाँ से कांग्रेस में गया ना उसके पास वो पहले का मिल रहा है तो कुछ तो वोट तो दिलाएगा, दिलाएगा तो यदि वो दिलाएगा तो लीड में कुछ डिफेंस हो सकता है, आज नहीं दिलाएगा तो उससे भी ज़्यादा जाएगी बीजेपी, तो वहाँ से अगर लीड आती है उस साइड से पिछली बार की तरह फिर यहाँ से, हाँ फिर यहाँ से फिर दीपेंद्र निकल सकता है, यहाँ के लोग वोट दे क्यों रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी को मोदी की वजह दे रहे हैं, यहाँ इसको ऐसा था कि गांव में एक दो आदमी हुए उनका एक काम हुआ दीपेंद्र के साथ छोड़ा नहीं, किराया मैं दूँ मेरे को लगवाने जाए और अपनी बात करे आए और वो लगे काम हो उसके, मेरा किराया भाड़ा लगा हम घर बैठे रह गए, हमारे भाड़क बैठे रह गए इसमें, यहाँ तो एक आदमी था गांव का नाम तो मैं कह लूँ, उसने अपने रिश्तेदार लगवा दिए आप लगवा दिए, और किराया मारे जैसे को बोलो तेरे लड़के को तो आप लगवा देंगे बस ये चलो, और अपने भीतर जाएगा बात करें बाहर ना बोल कर आया, और फिर लेना ना किस देना ना, नहीं दीपेंद्र बढ़िया बिल्कुल बढ़िया है समझेगा, यदि बीजेपी से खड़ा हो जाए ना तो उसको अपने घर से वोट लेने के लिए निकलने की जरूरत नहीं, समझ गया कोई कमी नहीं उसमें, लेकिन ऐसा है कि जो और दलाल थे ना जो ना वोट जिनके पास वोट दो और खराब कर दिया उन्होंने, समझ गया क्या कह रहे थे भाई साहब आप, भर्तियों में पारदर्शिता है क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में पहले भर्तियों में नौकरी नहीं मिलती थी बगैर पैसे के, अब हर गांव से हर भर्ती में 5-4 बच्चे बगैर पैसे के जिनका कोई पंच भी जानकार नहीं है उनके भी बच्चे भर्तियाँ हो रहे हैं और समान विकास हो रहा है हर क्षेत्र में, पहले भेदभाव होता था, पहले जब भी सीएम या सांसद रहे हमारे क्षेत्र से बीजेपी के अलावा कांग्रेस के या इनोलो के रहे तो हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं होता था, जब से बीजेपी आई है हमारे क्षेत्र में बराबर काम हो रहे हैं, बच्चों को भी नौकरियां मिल रही हैं, इस कारण से लोग बीजेपी की तरफ रुझान है लोगों का, और कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर भी नहीं है जो संगठन रख सके कांग्रेस में, इसकी भी कमी है, तो इसलिए लोगों को रुझान मोदी पे विश्वास है, मोदी की गारंटी, हाँ, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के ऊपर ही लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहो, चलो बहुत अच्छी बात, आपकी सोच है अपने अपनी राय सब रखते हैं सबसे जानेंगे, यहाँ से पिछली बार 75,000 से हार का सामना करना पड़ा था तो अब की बार क्या आकलन है,
ये बीजेपी कहती है कि 80,000 से ज़्यादा की लीड देंगे। हाँ, ये क्या है कि इस क्षेत्र में कोई नहीं पूछता आगे, जो भी सांसद बीजेपी का बना उन्होंने भी आगे कुछ नहीं किया, नहीं पूछा। पर ये खट्टर जी की वजह से, मोदी जी की वजह से हमारे क्षेत्र में बराबर काम हो रहे हैं और पारदर्शिता, ट्रांसफ़र वगैरह में भी ट्रांसफ़र बड़ा घपला चलता था, नौकरियों के ट्रांसफ़र के बदले पैसे लेते थे लोग, भर्तियों के पैसे लेते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है। इसकी वजह से लोग मोदी पे विश्वास करते हैं, मोदी के कारण लोग वोटिंग कर रहे हैं। अरविंद शर्मा और लक्ष्मण सिंह यादव कभी आके चले हैं? हाँ, आते हैं, कभी बुलाते हैं तो आते हैं, पर काम नहीं हो पाता उतना। आते हैं लक्ष्मण जी अपने टाइम पे, जब बुलाते हैं लोग कोई कार्य शिलान्यास के लिए आते हैं, पर जितना काम होना चाहिए उतना इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? हाँ जी। अच्छा, तो ये खाली वोट मोदी जी की नीति और खट्टर साहब को देंगे? जी जी जी, खट्टर जी की और मोदी जी की, जिन्होंने, अब खट्टर जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया प्रधानमंत्री राहत कोष में, अपना जो पुश्तैनी घर था वो भी पुस्तकालय बना दिया, तो ऐसे आदमी को देखते हुए लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, सब राजनीति की जानने लग गए, पहले ढर्रा जो चलता था आगे, अब वो बंद हो गया। अब किसान आंदोलन की बातचीत करें, किसान आंदोलन तो दीपेंद्र कहते हैं वहाँ से कुछ लीड लेके निकल जाएगा, किसानों में रोष है, किसान उधर उस साइड के वोट नहीं आएंगे, यहाँ से तो माहौल का। किसान जो है, किसानों के लिए मोदी जी की योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। एक खाली पंजाब और हरियाणा के किसान थोड़ी ना है, और भी तो स्टेट हैं, वो किसान तो नहीं कर रहे प्रदर्शन, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। ये सब विदेशी फंडिंग है, विदेशी ताकते हैं जो मोदी जी को नहीं रोकने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह यादव आपकी बार गाड़ी पार है? हाँ, लक्ष्मण जी बीजेपी को वोट है हमारे यहाँ से, हाँ मोदी जी के और खट्टर जी के। अब सैनी साहब आए हैं, उनके बारे में तो इतना जानकारी नहीं है, पर जो खट्टर जी ने अच्छे काम किए, मोदी जी ने किए, जो मोदी देश को आगे ले जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे क्षेत्र से ज़्यादा वोट बीजेपी को जाएंगे। तो अरविंद शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से, और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा दोबारा, फिर यहाँ से कांग्रेस की पार्टी से, लेकिन पिछली बार यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, वो याद है जी। क्या कहेंगे सर, बताइए आप माहौल कुछ? अपना विचार बता सकूँ जी, मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा। मोदी जुमलेबाज है, झूठ बोलता है, एक नंबर, सब कुछ बेच दिया इसने तो। एक दिन स्टेटमेंट दो तीन दिन पहले भी आ रही थी, उसका एक सांसद कह रहे हम संविधान को बदल देंगे, जब संविधान ने बदल गो तो रह के गए, ये बताओ जो आज ये कूद रहे से अनका के अधिकार रहेगा, जब संविधान नहीं रहेगा तो बोले हम अपना संविधान बनाएंगे। एक नंबर घटिया पीएम साबित होगा मोदी। लेकिन 400 पर, लेकिन 400 पर आम 400 पास, इब 300 ने करके दिखा दियो, यो कह रहे हो मोदी परिवारवाद, नेहरू 64 तक रहा, इंदिरा आई भाई हस्तक्षेप करण की में, इंदिरा आई मार दी, जब तक राजीव आयो, राजीव बनो वो मार दियो, उसके बाद सोनिया ने कोई हस्तक्षेप करो, भाई राहुल में इतनी बुद्धि नहीं जो मनमोहन को एक वो पार दियो, उसमें परिवारवाद कित हो सोनिया को, राजीव को, राहुल को बताओ, ये झूठा वो कर रहे हो परिवारवाद। और काबिल हो तो परिवारवाद ने जितना संघर्ष कर रहे हो अपनी जनता ही कुर्बान कर दी उनने देश के ऊपर, आज यू कर परिवारवाद, एक नंबर झूठा है मोदी। मैं तो कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस को वोट दूंगा। अरिब के दीपेंद्र 75,000 लीड करी बताओ सो, इब के तो 100% एरिया की दीपेंद्र के जाएंगे। नहीं, यादव बल्ट में ऐसा लग तो नहीं रहा ना जी, लग रहे हो देख लियो आप। अच्छा, पिछली बार आपने किसके वोट दिया? मैं तो पिछली बार भी कांग्रेस का दिया था। तो फिर बात ये, आप कांग्रेस से ही आपकी विचारधारा मिलती है? बस मैं कांग्रेस से हूँ। मुद्दों को कोई बात ना, मुद्दों यानी क्या कर रहे हो मोदी ने? नोटबंदी करी, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से बताओ आप? ये GST इतना थोप रखियो से, मैं बैंक में जाऊँ से भी मेरे GST कटे से, यो खाम खाई को फंड लगा रखियो GST को, किसाना बोले आज दुगनी करूँगो, क्या कर दी? पेट्रोल डीजल 99 रुपया हो रहा, रसोई गैस को सिलेंडर 5 साल में 1100 रुपये पहुँचा दिया, 400 रुपये में मिलता था, इतनी महंगाई कर दी। चलो, घटिया सरकार है बीजेपी। मेरा सुभाष चंद्र नाम है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? मैं कुछ ना करूँ, थाली रहा करूँ। तो थाली तो राजनीति में पक्की होंगी आप? ना,
कोई मतलब को नहीं, घर से बाहर निकलता ही नहीं। थोड़ा सा मतलब बता दो अब की बार, क्या मतलब का क्या क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या? माहौल तो बीजेपी का ही है भाई। तो बीजेपी का मतलब बोले तो सिर्फ मोदी जी को देख के, या फिर लक्ष्मण सिंह यादव, या फिर ये आपका सांसद है? मोदी ने देख के ही दे रही। कौन सी नीतियाँ अच्छी लगी मोदी जी की? नीति तो सारी बढ़िया ही, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आत्मनिर्भर देश बनाएगा जब ना हथियार उड़े बन लाग रहा, जहाज उड़े बन लाग रही, सब की बन लाग रही, जद तो आत्मनिर्भर होगो और होगो कैसे? पहले कौन सा यहाँ था? अगर आर्य साहब हमारे गांव का विकास करता है तो हम 20-50 दुश्मन बनेंगे इसका। और जो हमारे देश का कितना टैक्स पेड कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रखे है अडानी ने। बाहर की कंपनियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश को गुलाम कर गई थी 2 साल पहले, ये हमारे देश के तो हैं। 42 रुपए गैस ले रहा था, आज 89 रुपए गैस आज तक है। देखो ना आपको 42 रुपए मिला करती, आज 1 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं लोग, सैलरी ले रहे हैं। और गैस सिलेंडर 2-2 महीने नहीं मिलते थे, आप फोन करो, आप घर बाद में पहुँचोगे, आपके घर पहले सिलेंडर पहुँचेगा। सारे काम काला बाजारी थी, सब बंद कर दी, डाकों की दुकान बंद कर दी, नौकरी नहीं जाते थे लोग, एम्प्लाई थे जिनको नू नहीं पता, 20-20 साल हो गई थी, हमारा दफ्तर कहाँ है, घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे। मोदी काम कराता है, काम करता है 20-20, 22-22 घंटे, जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है क्यों कर रहा है, वो देश को आगे ले जाने के लिए ही तो कर रहा है। टैक्स हम पेड नहीं करेंगे तो इतने अच्छे रोड सुविधाएं हमें कहाँ से मिलेंगी? हमारा देश गुलाम हो जाएगा फ्री की बंदर बात करेंगे तो हम। बात तो जी सर क्या कहें, क्या लगता है भाई? मैं तो देख कांग्रेस का आदमी हूँ, ठीक। और जो हमारा इलाका में कांग्रेस की बातचीत करें, एक कांग्रेस का परमानेंटली ही कांग्रेस के देते हैं तो फिर बात मुद्दे की है नहीं। लेकिन मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ये है, मेरी उम्र होगी 78 साल, ठीक है, और सारी पार्टियों में वोट देकर देख ली, ठीक है। पिछली बार आपने बीजेपी का दिया, उससे पिछली बार तो हमने सारे देख लिए कर के काम भाई, सब नेता देख लिए, यहाँ से चौधरी हरिद्वारी लाल। आप तो अपने पर्सनल काम को हटा दीजिए, देश के हित की बात, इसके हित की बात ये, आप अपने देश के हित में मोदी जी ने कुछ किया है या फिर कांग्रेस सही थी आपके लिए? देखो हमारे जो इलाके में कौशली में जो विकास की गंगा दीपेंद्र ने बहवाई, वो किसी भी MP ने आज तक नहीं करा काम, चाहे वो BJP का था चाहे वो लोकदल का था। अच्छा, नौकरियों की बातचीत करें। नौकरियां यहाँ काम में थोक के भाव में मिली, अच्छा हाँ खूब मिली नौकरी दीपेंद्र ने। और सब काम उसने ऐसे करवाए कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाकी रही बात ऊपर प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जी का बोलने का तरीका और लोगों को लुभाने की बात बहुत अच्छी आती है और लोग उसमें बह जाते हैं। उनका काम एक है, अगर किसी की भैंस ने दूध नहीं दिया तो नहरू का हाथ है, जबकि हमने अपने बुजुर्गों ने, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, मैं अपने हिसाब से करूँगा, आगे आने वाली संतान और हिसाब से करेगी, पीछे वालों को गाली देना ये असंगत है। उन्होंने जो किया जिस हालात में किया वो अपने हिसाब से ठीक किया। आज हम अपना रास्ता देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। किसी को दोष देना, अगर मेरा बापू अगर 500 बीघा जमीन ले जाता तो आज हम हवाई जहाज में चलते। अरे मेरे बाप के पास रोटी नहीं दिखाने को, वो कहाँ से 500 बीघा जमीन खरीदता? आपसे पूछे, आप बताइए क्या 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 लग रहा है? हमारे को तो बढ़िया लग रहा है जी, मोदी जी उसने अच्छा काम किया है। फौजियों को 40 साल हो गई थी बोलो 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, कभी नहीं थी। इसने तो जी प्रधानमंत्री बोला आते के साथ फौजियों को इतना वेलफेयर कर दिया, तो कोई भी नहीं कर सकता है। कांग्रेस तो धोखे मूल्यवाद से जो धोखे में रखती है इंसान को, बोलो देंगे देंगे लटका देते हैं। अभी किसान MSP का अतर लागू है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट इस कांग्रेस के राज के अंदर थी, कांग्रेस ने 10 साल निकाल दिए उस समय, इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? अब किसानों की यही उकसा रहे, यही भीड़ कर रहे, सारे गलत काम कांग्रेस के कर रहे, हिंदू विरोधी कानून कांग्रेस ने। और जो ये भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारे क्षेत्र से एक भी बच्चा बगैर पैसे के एक बच्चा नहीं लगा, एक भी पैसा। हमारे जो यहाँ से MLA होते थे उनको भी ये पार्टियाँ 2 आदमी देते थे, चाहे अपने पैसे में करो, चाहे अपने रिश्तेदार करो, चाहे कार्यकर्ता करो। अब ये नहीं है, अब जिसका गांव में पंच भी जानकार नहीं है उसका बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी। भाई साहब वो चले कह रहे हैं कि
दीपेंद्र ने हमारे गांव में छाछ भर भर के नौकरी बांटी है। नौकरी नहीं बता दे, ये गया है ना, ये था उसका माइक पकड़ने वाला, और इसके वोट है इसके पांच, तीन बल्कि तीन ही, अरे इसने सारे गांव के स्टेसी कर दी दीपेंद्र जी साहब पार्टी। हमने तो वहाँ बीजेपी में नाम दल्ले थे, पैसे ले ले, पैसे ले लेके नौकरियां लगवाना, ये दल्ले थे दीपेंद्र के, जो पैसे ले लेके बिचौलिए थे, पैसे ले लेके नौकरियां की बात करते थे, वोटों के हजारों वोटों की उसकी यहाँ भरते थे, जो इनकी दो पर्ची भी नहीं है। क्यों भाई साहब ऐसे ही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब क्या माहौल है, लगता है अरविंद शर्मा दोबारा से यहाँ नहीं? अरविंद शर्मा आए ना आए, हमारे क्षेत्र से जीत के जाएगा अरविंद शर्मा, बाकी तो कोसली से जीत के बिल्कुल जीत के जाएगा जी, कोसली विधानसभा से अच्छे मार्जिन से जीत के जाएगा, बाकी आठ विधानसभा और हैं उनके बारे में हमें मार्जिन ना है, लेकिन वैसे पूरा कोसली से मार्जिन क्षेत्र की बजाय 5-7 हजार नीचे हो सकता है, पर यहाँ से लहर वही है जो पहले थी 2019 में, वही लहर है अभी अरविंद शर्मा जी की। तो हमारे साथ यह तस्वीर देख लीजिए, कारोली गांव में मौजूद है और ये बस अड्डे पे ही ये मोदी जी लोग हमारे साथ ये खास बातचीत में बने हुए हैं, फौजी हैं, पुलिसमैन हैं, गांव के किसान हैं, और कहते हैं कि मोदी जी ने सब बेस्ट है, यहाँ से अरविंद शर्मा या लक्ष्मण को नहीं देखते, मोदी जी की नीतियों को देख के वोट दे रहे हैं। शोएब के बाद फिर दीपेंद्र हुड्डा को कहने की वहाँ से बाहर ही एक लीड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आके फिर कहीं ना कहीं वही मुश्किल होने वाली है। क्या लगता है, उधर से लीड काफी लंबी चौड़ी चाहिए उनको? हाँ उनको काफी लंबी चौड़ी लीड ले पाएंगे जब दीपेंद्र जी जीत पाएंगे, नहीं तो अरविंद वो लीड खत्म कर देंगे, अगर 5-5, 4-4 हजार की लीड हुई तो वो सब लीड कोसली विधानसभा खत्म कर देगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, ऐसा है। लीड कब देते? 5-7 हजार बता दिया आपने, वो जगदीश के आने से दिए कुछ अपने दिला जाए तो, लेकिन यहाँ इंद्रजीत जलसा कर गया तो उसको भी साफ कर देगा कि मिलेगा उसको। वो खत्म हो जाएगा बस, इसी बार हार रहा है, यदि वहाँ से वो हार कर आ गया तो इतनी लीड 75 हजार तक तो कर देंगे पार, और ज्यादा हो गया तो फिर बनेगा कैसे, मानते हो? आप सुन रहे हो, आप भी बता दो, किसान हो? हम तो ना बेरोजी कम न कहेंगे, देखो खेती बाड़ी करते हो? हाँ। अच्छा राहुल ने जानो और मोदी दो दादियों तो जानते होगा? हाँ जाना। कौन सा अच्छा लगे न्यू बताओ? मोदी बढ़िया है हमारे लिए तो। ये बता दिया आपने सही। किसान नहीं करते हो सारे दिन है? अच्छा मोदी क्यों अच्छा लगे? सब तरिया है अच्छे से, उन मारते एक रुपया ना दियो, कम से कम 6 हजार रुपया तो दे रहे उसे, और हाथ बत्ती कैसे 1 रुपया काम को 6 हजार मिल रहा, दा मुआवजो दे रहे हो, हमारी सब जमीन का दाना खरीद रहे हो, और हमने के चाहिए तो क्या लगा है दीपेंद्र की फिर लुटिया डूब जाएगी? दीपेंद्र को हमने ना भेरो। अच्छा ठीक है, नाम क्या आप? नाम जितेंद्र। तो जितेंद्र भाई मोदी जी बेस्ट आपके लिए। अच्छा आपके गांव में मैं आपसे जानता हूँ कितनी नौकरियां लगी हैं आपके पास बिना खर्चे बिना पर्ची के? बहुत जी वो पुलिस वाले भाई कह रहे हैं ये वाले के लगे हम जो इससे पहले तो सरकार होती थी उसमें तो अनशन सा लग गया करता, 2-4 अपन लगा तो हमारा लाख था वो देते 3-3, 4-4 लाख रुपया, और अपना लगवाऊँ तो फ्री में, और यो काम था उनको, और अन डबो दिया, नहीं तो दीपेंद्र से बढ़िया तो हमने कोई दिखाई नहीं देता, सुन ले मेरी बात, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई साहब, लेकिन इन्होंने दिया उनके साथ, इन्होंने अगवा करके और उनका दिमाग फेर दिया, तो वो एक आदमी को पकड़ लेते बोल ये ही है वो बस, अरे उसके पास है नहीं कुछ भी, इस दुनिया ने उनसे नफरत हो गई। ठीक है भाई साहब, कितने नौकरी लग गया होंगे, किस कौन सा डिपार्टमेंट, कुछ आइडिया है भाई? सारी नौकरी लगी है खाली हरियाणा पुलिस में, डी ग्रुप में कल रख ला करे लेक्चरार, बिजली विभाग में, नहर विभाग में, हर विभाग में लगाया जी सरकार के अंदर, एक ना पैसा नहीं, उसको पता भी नहीं, वैसे मैसेज आया तेरा सिलेक्शन हो गया जी। क्या बात है जी। हाँ जी, बिना खर्चे पर्ची के इस गांव में 70 बच्चे लग चुके हैं हर डिपार्टमेंट में, ये है जी भाई साहब बिना खर्चे पर्ची के 70 बच्चे? हाँ जी बिल्कुल, बिना खर्चे के लगे हैं सब बच्चे। तो ये पुलिस वाले भाई फौजी भाई कह रहे हैं पहली बार किसी सरकार ने बिना खर्चे पर्ची के लगाए नहीं, इससे पहले के यहाँ लगता नहीं था कोई? पहले कोई नहीं लगता था जी, सब खर्चा देख के लगते थे, अब कोई खर्चा नहीं लगा, सब फ्री में लगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था। कंडक्टर लगे उन्होंने 4-4 लाख रुपए दिए दीपेंद्र के टाइम, ये खा गए गुर गए, हाँ 4-4 लाख रुपए कंडक्टर लगे थे पैसे देकर हरियाणा रोडवेज,
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पैसे देके लगे थे पहले। अब माहौल क्या क्या लगा? हाँ बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, निष्पक्ष काम हो रहा है, सब बढ़िया काम चल रहा है एकदम। बीजेपी जोश में है कि कोसली से 85,000 फिर हमारा कैंडिडेट लोकसभा से जीतेगा, क्या लगता है? नहीं जी बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया वो है, सही काम कर रही है, सही सब लोग जागरूक हैं, बढ़िया वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। भाई मेरे सब किमी करा के मोदी ने, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक कमी से ये छोटनिया ही ये बुढ़ापा पेंशन नहीं बना रहा, मेरी मेहरबानी होली 70 साल की। अब मोदी जी को कह रहे हैं भाई सारी बात ठीक है, मोदी ने अपने एक झटका में कह दी, क्यों क्यों वजह की? देनी से मोदी ने वोट 6,000 रुपया दिन लाए रहो साल का, राशन दिन लाए रहो फ्री। अच्छा अब मोदी ने वोट दे रहा हो या उरा का जो लोकल जो विधायक जो सांसद से उन्हें भी? कोई भी खड़ा हो मोदी का नाम तो खड़ा होगा ना, वही वोट देंगे हम तो। मोदी मोदी पहले बात ले, मोदी 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 है बिल्कुल। मैं फौज में रह का 24 साल, ये बैठे मेरे से बहुत बुजुर्ग आदमी, ये मेरे से बहुत बुजुर्ग आदमी, अन्य गांव डमाले हो, हमने फौज की सीमा डमाली। हाँ बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये दिल्ली पुलिस में कंट्री में कोई पूछता नहीं था हमारे देश के लोगों को, बहुत हालत खराब थी जब से मोदी जी बने हैं। विदेशी नीति उनकी बहुत अच्छी है, विदेशों में भी हमारा मान सम्मान होने लग गया। जो यूए के सलमान भट्ट थे उन्होंने कह दिया मोदी जी जहाँ से उंगली घुमाएगा उतनी जमीन वहीं पे मंदिर बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप बताओ। हाँ जी, क्या विचार लग गया? ठीक है, मोदी अच्छा आदमी है। ये सारा मोदी का गुणगान कर रहे हैं, देख लो अभी हम। जब मोदी पुलिस में है भाई, फौज में से और बाकी भाई जमींदार खड़ा है सारा, फौजी हैं। हाँ जी, जब मोमडन कंट्री का कोई डेलीगेशन आता था हम सीमा कोई था, तो उस टाइम पे हमारे देश के मंदिरों को ढक दिया जाता था। आज विदेशी हमारे मंदिरों में मत्था टेकते हैं, मोमडन कंट्री के जो मुखिया है वो हमारे जो विदेशी हैं वो हमारे मंदिरों में माथा टेकते हैं, मोमडन कंट्री के फॉरनर जो आते हैं। नेहरू जी के टाइम में जब विदेशी आते थे तो हमारे मंदिरों को ढक दिया जाता था। ठीक है, अब हाँ, अब बोलो। हाँ जी खूब, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके सामने, आप पत्रकार हो हैं, संवाददाता हो, लेकिन देश में पहले हम सीमा कमाए, हमारा भाई उरे कमाया था, आज मोदी ने हुआ कर रखी से, आज मंदिर हर मंदिर अयोध्या में आप गए थे। हाँ। वो कितने बड़ो कार्य थो। ठीक है, बार दीपेंद्र फिर चुनाव लड़ा ना, 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 ना दीपेंद्र नाम में बतले हो आप। दीपेंद्र को नाम में बतले हो, सीधी बात बताऊं समय, दीपेंद्र ने तो खोई दी, 70 साल नाराज रहे हो के देश का तरन है, देश खातर के करे हो हैं, और 70 साल बाद में मोदी ने 10 साल में देश चमका दियो। अब नहीं, आप पत्रकार हो, संवाददाता हो आप, तो मोदी का अब दीवाना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी मोदी लेना बस, तो मोदी खातर जान भी देश को। बिल्कुल अल्ले बात ले, ना जी ना, डरा नहीं कहीं ते भी, आई बात समझ, मोदी मोदी। दीपेंद्र न्यू का है हाँ, के हम जीतता है लोकसभा तो मारी गाड़ी पार हो जाएगी। दीपेंद्र नू का दे, नू का मुट्ठी में भी वोट को न तेरी अल्ले बात ले, उन्हें कह दिए गाड़ी ने पेंचर कर देंगे ले ले दीपेंद्र। हाँ बिल्कुल अल्ले बात ले, बड़े में नहीं दें चाहिए गांव में मत आइए। तो हम कोसली विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा गांव है कारोली, यहाँ पे मौजूद है और ये तस्वीरों में देख लीजिए सबकी प्रतिक्रिया जानी हमने। तो यहाँ पे लगभग आप देख रहे हैं इनकी राय है क्या, और कोसली विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से मौका मिला है रोहतक लोकसभा से कि वो चुनाव लड़े यहाँ से, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।